वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड्स होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं बैंक नोट प्रेस में निकली हुई भर्ती के बारे में। बैंक नोट प्रेस में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जो कि बैंक नोट प्रेस में हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में हो रही है और पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन और असिस्टेंट। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर कम है, पर आप ये ना देखें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है या ज़्यादा है। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो एक वैकेंसी की ही ज़रूरत है और उस एक वैकेंसी पर नज़र रखकर जितने जल्दी हो सके आप इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। तो आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि gvtjob.com पर आ सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर ये जो पूरी जानकारी है जॉब की पा सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के जॉब की ओर। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैकेंसी है टेक्नीशियन और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हो रही है। सिलेक्ट होने पर आपको 26,000 से 29,000 तक का वेतन मिल जाएगा। ग्रेड पे एज पर रूल्स है और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ही बैंक नोट प्रेस के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसे यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको डिग्री पास होना ज़रूरी है और एज लिमिट 18 से 30 साल आपका होना ज़रूरी है। तो 18 से अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 13 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है और अधिकतम आप 9 नवंबर 2018 तक अप्लाई कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपके पास 9 नवंबर तक का टाइम है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जान लीजिएगा कि जितने जल्दी हो सके 9 नवंबर के पहले आपका आवेदन आप भेज दीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और आपका आवेदन निश्चित कर लीजिएगा। जॉब लोकेशन है मध्य प्रदेश, तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश में होगी, ये आप जान लीजिएगा। अब हम देखेंगे पीडीएफ में क्या जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर प्रिंटिंग एंड प्लेट मेकिंग, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, बहुत से वैकेंसीज है यहाँ पर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, तो आपको स्पेसिफिक ब्रांच में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त होना ज़रूरी है और आपके पास यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। वेलफेयर ऑफिसर एसेंशियल क्या होना ज़रूरी है वो सब जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, तो वो आप रीड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है जिससे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 9 नवंबर तक आप इस पोस्ट को ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के अपडेट्स नहीं आएंगे। एग्जामिनेशन फ़ी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि 400 रुपये है, प्लस GST भी यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, तो ये आप जान लीजिएगा। SC ST एक्स सर्विसमैन तथा PW कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी फ्री है, यानी उन्हें किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी भरना अनिवार्य नहीं है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। आपका जो सिलेक्शन है रिटर्न एग्जामिनेशन के द्वारा होगा यहाँ पर, और आपके एग्जामिनेशन किस प्रकार होगी उसके बारे में भी आप यहाँ पर टेबल देख सकते हो। सब्जेक्ट्स है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 160 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी और ऊपर जो कोड 1 और से कोड 8 के लिए जो एग्जामिनेशन है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। टोटल जो मार्क्स है 240 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी, 120 मिनट्स यानी कि ही आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा यहाँ पर पेपर सॉल्व करने के लिए।
और जो दूसरी एग्ज़ाम है कोड 9 टू कोड 11 की, उसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी एक घंटा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन हो रही है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी ऐसा होने वाला है। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।